NMMS परीक्षा 2023 19 नवंबर 2023 को जो आपके पेपर होने वाला है कक्षा 8 वालों के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान के जो 35 क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को आप इसी प्रकार से समझेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। साथ ही आप इस परीक्षा के लिए NMMS परीक्षा के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको विज्ञान के, गणित के, सामाजिक के सभी टेस्ट मिल जाएंगे। उनके ऊपर आप क्लिक करके टेस्ट फ्री में दे सकते हैं और अपना स्कोर पता कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामाजिक विज्ञान के जो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, 1659, 1587 या 1858। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1757। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो नाम से ही पता है इनका, गौड़, संथाल, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा को बिरसा मुंडा कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, मुंडा, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से किस महापुरुष ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, केशवचंद सेन, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और ज्योतिराव फुले। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के बचपन के, ये इनके गुरु का नाम था। आप कमेंट करके बताना कि स्वामी विवेकानंद के इनके बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का जो नाम है वो आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जो लिमिटेड है, क्या कहलाते हैं। तो जो सीमित हैं उनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्राकृतिक या उपरोक्त सभी। तो उनको कहा जाता है जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं उनको अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है उनके रूप में उनको जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो 100% ये धरती है, इस पर कितना भाग जो भूमि है वो आपको बताना है। तो 100 में से कितना प्रतिशत भाग जो भूमि है, 20%, 30%, 40% और 70%। आपको पता होगा कि जो स्थिर जो स्थल है वो 29% है और पानी जो है वो 71% है। लेकिन उत्तर जो आपको धरती के बारे में पूछा गया है, तो पृथ्वी जो स्थल है जहाँ पर पानी नहीं है, स्थल है, धरती है केवल, तो वो कितनी है, केवल 29%। अब 29% ऑप्शन में नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा 30%। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पानी कितना है तो समुद्र ये 71% है। 133 नंबर है, कौन से निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा शक्ति का संसाधन नहीं है, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इनमें से जो लौह अयस्क हैं वो शक्ति का संसाधन में शामिल नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी शक्ति के संसाधन हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कृषि आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, उपरोक्त सभी। इनमें से कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक क्रिया में आता है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है, जो वर्ल्ड मेजर फूड क्रॉप है वो कौन सी है, खाने जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है विश्व में वो कौन सी फसल है, गेहूँ, मक्का, चावल या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, चावल विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कौन से वर्ष में हुआ था, इसका उत्तर बताना है, 1946, 1856, 1916 और 1919। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान की पूछ रहे हैं कि अभी कितने मौलिक अधिकार हैं, 5, 6, 8 और 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6।
अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245, 545, 200 या 745? इसका जो सही उत्तर है वो आपके हो जाएगा, राज्यसभा की पूछे तो इसका उत्तर होगा आपके 245। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और ये लोकसभा की सीटें हैं 545, और इसमें राजस्थान के 245 में से राजस्थान के 10 हैं, जबकि लोकसभा की पूछे तो लोकसभा के जो सीटें हैं राजस्थान की वो 25 हैं। संसद की पूछे तो दोनों को मिला के जोड़ेंगी तो 30 और ये 10 और 25 35 हो जाएगी, ये संसद में है। और ये 200 जो दे रखी है वो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं, सॉरी विधानसभा की। ये विधानसभा जो विधायक होते हैं 200 विधायक अपने राजस्थान में, 200 विधायक हैं अपने राजस्थान में। भी चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान की जो तिथि है वो क्या है आपके सामने है, मतदान की तिथि 25 नवंबर है, तो 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो आपको कमेंट करके बताने कि भारत में मतदान की जो न्यूनतम उम्र है, वयस्क मताधिकार का उपयोग कितने वर्ष के व्यक्ति कर सकते हैं, तो मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय न्यायालय जो अदालत है इसको कितने स्तरों में बांटा गया है? तो जो इंडियन कोर्ट है इनको कितने लेवल पे डिवाइड किया गया है? 4, 3, 2 और 5, कितने भागों में इसको बांटा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका सेकंड हो जाएगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734, 22 अप्रैल 1928, 26 जनवरी 1850 या उपरोक्त सभी? तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा, ये भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता है, जो भीलवाड़ा के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा इनके ज़िले में स्थान है ये हुरडा, वहाँ पर हुआ था और यहाँ पर सभी राजा महाराजाओं का सम्मेलन एक बार हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 कैसे याद रखेंगे? 17 7 17 2 34 ऐसे याद कर लेना, 17 7 17 2 34। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से और कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति ये जो पूछा जा रहा है वो इंडिया लेवल पे पूछा जा रहा है, तो भारत में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 को ये मेरठ से हुई थी। राजस्थान में नसीराबाद से होती हैं 28 मई 1857 को, जबकि भारत में उत्तर हो जाएगा मेरठ 10 मई 1857 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन 15 अगस्त 18 मई 26 जनवरी और 30 मार्च, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और शक्कर उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और सबसे पहले जो सूती मिल लगी थी वो ब्यावर में लगी थी, अजमेर, ब्यावर के अजमेर में, सॉरी अजमेर के ब्यावर में। अभी ब्यावर अलग से जिला बन गया अजमेर से अलग होके। ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है इसको क्या कहते हैं? भंडारगृह, अभिलेखागार या शिलालेख या भवन। तो जहाँ पर पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ रखी जाती हैं उनको कहा जाता है अभिलेखागार। तो फर्स्ट इसका जो 144 इसका आंसर हो जाएगा अभिलेखागार। रहट क्या है? तो रहट आपने देखा होगा एक सिंचाई का साधन होता है, रहट एक सिंचाई का साधन है। रहट चड़स, रहट चड़स, ये चड़स भी एक सिंचाई का साधन है। ढेंकुली आप नाम सुनना होगा, ढेंकुली, ढेंकुली भी एक सिंचाई का साधन है, जैसे ट्यूबवेल, कुएं, नलकूप वैसे ही है। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर बूंदी जिले को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बूंदी जिले में एक बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती जी है, इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर और जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। वैसे आपको कमेंट करके बताना कि ये जो ताजमहल है जहाँ जो शाहजहाँ ने बनाया था वो भारत के किस शहर में है? ताजमहल भारत के किस शहर में है कमेंट करके बताना है। कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। कई पार्टियाँ मिलकर जो सरकार बनाती हैं, अलग अलग पार्टियाँ एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या सरकार? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है
वो मुख्यमंत्री होता है और सेंटर में प्रधानमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है? सांसद, राज्यपाल, सचिव या विधायक, तो उनको MLA कहते हैं, विधानसभा के सदस्य को। और अपने राजस्थान में 200 MLA, 200 विधानसभा के सदस्य हैं। और अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखें, राजस्थान में इलेक्शन है विधानसभा के। हैजा क्या है? तो हैजा एक बीमारी का नाम है। हैजा क्या है? एक बीमारी का नाम है। पर्यावरण का घटक कौन सा है? स्थल है, वायु है, जल है, उपरोक्त सभी हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस भू प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? जो धरती की जो सॉलिड क्रस्ट है उसको क्या कहते हैं, ठोस प्रॉपर्टी को? तो ऑप्शन आपके सामने है, पर्यावरण, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर थर्ड से होगा, इसको स्थलमंडल कहा जाता है। 154 नंबर है, सेल के प्रकार नहीं है। शेल, ये शेल जो होती है वो चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है। वो सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सेल की बात नहीं हो रही है, ये शेल की बात हो रही है। ये रॉक जो चट्टाने होती है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, ठीक है। ये जो चट्टाने वो ये तीन प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। मैग्मा निर्मित शेल कौन सी हैं? इसमें से मैग्मा निर्मित शेल कौन सी हैं? तो अभी जो ऊपर बात की थी शेल कितने प्रकार की होती है, इसका उत्तर इसमें छुपा हुआ है। देखो तीन शेल आपके नाम दे रखे, अवसादी शेल है, आग्नेय शेल है और कायंत्रिक शेल है। तो इसमें मैग्मा निर्मित शेल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपके आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भूकंप प्रारंभ होता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? तो उसको उद्गम बिंदु कहते हैं, उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र, ज्वालामुखी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, उद्गम केंद्र, ओरिजिन सेंटर कहते हैं इसको। भूकंपी जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो सिस्मिक जो वेव होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे जानी जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें तीनों ही प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल, तीनों ही प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? निक्षेपण में, भूकंप लेखी में या ज्वालामुखी में, इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर हो जाएगा ये भूकंप लेखी, भूकंप का मापन भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में किया जाता है। एक रिक्टर पैमाना भी होता है, उस पर भी भूकंप का मापन किया जाता है। छत्रक सेल पाई जाती हैं, छत्रक सेल कहाँ पाई जाती हैं? जो मशरूम चट्टाने हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो 78% है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। उसके बाद में आती है ऑक्सीजन। तो बताना था कि ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके गणित के। तो ये गणित के जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके सभी के वीडियो मिल जाएंगे। विज्ञान के भी मैंने वीडियो डाल रखे, वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। सभी के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लास 8 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये गणित का पेपर आपके सामने है, गणित के ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।